तो सेल वॉल दो कंपोनेंट से बनी होती है। किससे बनी होती है? दो कंपोनेंट से। ये रही सेल वॉल, एक है लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी है और एक पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। सो अल्कोहल डालने के बाद यहाँ से स्टेन बाहर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाएगी। सो गाइस, समझ गया आप? यहाँ से स्टेन बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ से स्टेन बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो लेयर हैं, वो भी पतले पतले लेयर हैं, तो पतले लेयर में से तो स्टेन निकल ही जाती है ना। आप अल्कोहल डालो तो स्टेन बाहर निकल ही जाएगी। सो यहाँ से स्टेन रिमूव हो गई, बाहर निकल गई, बाहर निकल गई है स्टेन, बिल्कुल निकल चुकी है बाहर, बाहर निकल चुकी है। अब हमें सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप करना है, सॉरी थर्ड स्टेप। तो अब हमें थर्ड स्टेप क्यों करना है वो भी जान लेते हैं। देखिए गाइस, जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, क्या डाला था हमने? ग्राम स्टेनिंग करी थी, क्रिस्टल वॉयलेट डाला था, प्लस आयोडीन भी डाला था। तो क्रिस्टल वॉयलेट कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। सो क्रिस्टल वॉयलेट दोनों ने पकड़ लिया था, दोनों के ऊपर ब्लू कलर आ गया था ना। सो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा था? बैक्टीरिया को धो दिया था। अगर हम किसी चीज़ को धो देते हैं तो उसमें से या तो कलर निकल जाता है या तो रह जाता है। सो क्या हुआ था यहाँ पे? फर्स्ट वाले बैक्टीरिया में कलर वैसे ही रह गया था, तो ये तो हो गया पूरा ब्लू, ब्लू हो गया, और ये हो गया कलरलेस, ये बैक्टीरिया हो गया कलरलेस, क्योंकि यहाँ से स्टेन पूरी तरह से निकल गई है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो हमें दिखने के लिए हम इसको स्टेनिंग करते हैं। चलो ये तो दिख गया, ये तो हो गया ब्लू, अब ये कैसे दिखे हमें? ये तो कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया तो कैसे दिखे हमें? सो हम इसके ऊपर और एक डाई डालेंगे देखने के लिए कि किसने कलर पकड़ा है ब्लू और किसने कलर पकड़ा है पिंक। हमें क्या करना है? पिंक डाई डालनी है अब सेकेंड थर्ड स्टेप में। सो हम फिर से यहाँ से हम इसको मिटा लेंगे ताकि हम थर्ड स्टेप कर सकें। सो थर्ड स्टेप में हमें क्या डालना है? सेप्रानिन डालना है। सेप्रानिन क्या होता है? पिंक डाई होती है सेप्रानिन, बिल्कुल पिंक डाई होती है। सेप्रानिन डाल रहे हैं, चलो हम सेप्रानिन डालते हैं अभी। सो हमने सेप्रानिन डाल दी यहाँ पे, दोनों बैक्टीरिया के ऊपर डालेंगे हमें देखने के लिए। पिंक कलर जल्दी शायद दिखाई देता है, इसलिए हम थर्ड स्टेप भी करिए। ओके, तो थर्ड स्टेप में हम डालेंगे डाई, पिंक डाई डालेंगे दोनों बैक्टीरिया के ऊपर। जो ऑलरेडी ब्लू बैक्टीरिया है उसके ऊपर पिंक कलर का क्या असर हो सकता है? कोई असर नहीं होगा, तो ये तो ब्लू ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा। और जो कलरलेस बैक्टीरिया है इसके ऊपर हमने डाई डाल दी, तो ये तो सेप्रेनिन को पकड़ लेगा, पिंक हो जाएगा, पिंक हो जाएगा ना। हाँ, ये कलर ऑलरेडी डार्क है, ब्लू कलर है, तो पिंक कलर हम इसके ऊपर डालेंगे तो इसके ऊपर तो कोई असर भी नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया है उसके ऊपर पिंक कलर का असर होगा, वो पिंक हो जाएगा। तो यही समझने के लिए हम थर्ड स्टेप करते हैं, सेप्रानिन डालते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है और कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो पिंक कलर जिस बैक्टीरिया के ऊपर आता है वो बैक्टीरिया कहलाता है ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ ना, है ना? ग्राम स्टेनिंग का कोई असर नहीं हुआ है इसके ऊपर, इसके ऊपर किसका असर हुआ है? सेप्रानिन का असर हुआ है, जो कि एक पिंक डाई है। सो इस पिंक डाई का कलर ही इसको आ रहा है, पिंक डाई का कलर ही इसको आ रहा है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो ग्राम स्टेन से स्टेन हुआ है, ग्राम स्टेन से स्टेन हुआ है ना, इसका कलर तो गया ही नहीं, इसको पिंक कलर आया ही नहीं, तो ये ग्राम स्टेन से स्टेन हो चुका है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है।
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वही अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बीमारी कॉज करते हैं। सो गाइस, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको समझ में ना आया तो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये था पूरा प्रोसेस ग्राम स्टेनिंग का। फर्स्ट स्टेप में हमने ग्राम स्टेनिंग करी है, ग्राम स्टेनिंग दोनों बैक्टीरिया कैसे हो गए, ब्लू हो गए। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा है, बैक्टीरिया को धोया है अल्कोहल से, तो इस बैक्टीरिया का कलर निकल गया, ये कलरलेस हो गया। और यहाँ से निकल नहीं पाया कलर, क्योंकि क्या था, बड़ी वाली सेल वॉल थी, मोटी मोटी जाड़ी सेल वॉल थी, तो यहाँ से स्टेन बाहर निकल ही नहीं पाई। तो थर्ड स्टेप हमने किया देखने के लिए, क्लियरली हमें दिखाई दे, इसलिए हमने थर्ड स्टेप किया, सेफ्रनिल डाला, पिंक डाई डाली दोनों बैक्टीरिया के ऊपर। जो ऑलरेडी ब्लू था उसके ऊपर कुछ कलर नहीं आया, लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया था वो पिंक हो गया। जो पिंक हो गया वही ग्राम नेगेटिव है, वही बीमारी कॉज करता है, ये अच्छा वाला बैक्टीरिया है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई हो, मेरी ज़बान फिसल गई हो, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़